हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो जो बिडन ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर ताइवान पर चाइना इन्वेजन करता है, अगर अटैक करता है, तो हम ताइवान को डिफेंड करेंगे। अब क्या कोई सब्सटेंशियल पॉलिसी है जो इस स्टेटमेंट को बैक करती है? और अगर है तो फिर जो व्हाइट हाउस है उनका जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट क्यों है जो बाइडन से? ये सब कुछ डिस्कस करते हैं इन डिटेल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, यूएस प्रेसिडेंट का ये मोस्ट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट बताया जा रहा है। क्यों एक्सप्लिसिट होता है? जो कि एक्सप्रेस किया गया हो बहुत ही क्लियरली। और ये स्टेटमेंट सुनने के बाद चाइना ऑफकोर्स खुश नहीं होगा, ऑफकोर्स उसको गुस्सा ही आएगा। लेकिन अभी तक चाइना की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। अच्छा, इंटरव्यू हो रहा था मिस्टर जो बाइडन का, उस इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि क्या यूएस जो फोर्सेस हैं वो ताइवान को डिफेंड करेंगी, जिसे चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा पार्ट है। इसका जवाब देते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि यस, अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड अटैक होता है, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो कभी पहले ना हुआ हो, जिसको पहले ना जाना गया हो, कुछ ऐसा अटैक करता है चाइना ताइवान पे, तो हम फॉर श्योर उनकी मदद करेंगे। इसको क्लैरिफाई कराते हुए ये पूछा गया कि अनलाइक यूक्रेन, मतलब यूक्रेन में आपने अपनी फोर्सेज नहीं भेजी, क्या यूएस की फोर्सेज खुद उस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन के तब ताइवान को डिफेंड करेगी? अगेन बाइडन ने बोला यस। अच्छा, मई में भी उनसे एक क्वेश्चन करा गया था ताइवान को लेकर कि इफ ही वॉज विलिंग टू गेट इन्वॉल्व मिलिटरीली टू डिफेंड ताइवान, कि क्या मतलब आप अपनी फोर्सेज को भेजोगे ताइवान को डिफेंड करने के लिए? और उसके जवाब में भी मिस्टर बाइडन ने बोला था कि येस, दैट्स द कमिटमेंट वी मेड, कि हमने ताइवान से यही कमिटमेंट करी हुई है कि हाँ, हम उसे डिफेंड करेंगे, भले ही उसके लिए हमें मिलिटरीली इन्वॉल्व होना पड़े उस इश्यू में। अब देखो, लास्ट अक्टूबर में भी यही सेम क्वेश्चन करा गया था कि जो ताइवान है, क्या आप उसको डिफेंड करना चाहेंगे? और उसके जवाब में भी बाइडन का जो आंसर था वो यही था कि हाँ, हमने कमिटमेंट यही कर रखी है कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे। अब जब हर इंटरव्यू के दौरान मिस्टर बाइडन के मुंह से ये शब्द निकलते हुए दिखे कि हाँ, हम ताइवान को डिफेंड करेंगे भले ही हमें मिलिटरीली इन्वॉल्व हो जाना पड़े, तो ऑफकोर्स जो क्वेश्चन है वो उठेगा कि क्या यूएस ने अपनी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स ताइवान वो चेंज कर ली है? पॉलिसी क्या है, मैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो यूएस है वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता है और वो ताइवान को अलग कंट्री के रूप में एक्नॉलेज नहीं करता, ठीक है? तो सबसे पहली तो यही एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि अगर आप डिफेंड करने की बात कर रहे हो, अगर आप ताइवान से रिलेशन बना रहे हो, नैन्सी पेलोसी की जो विज़िट हुई थी उसके बाद भी काफ़ी इशू खड़ा करा था चाइना ने, और चाइना ने काफ़ी सारी मिसाइल्स भी इधर उधर ताइवान पे करी थी डराने और धमकाने के लिए। बट जो क्वेश्चन उठता है ना, वो ये उठता है कि एक तरफ आप वन चाइना पॉलिसी को भी मानते हो, दूसरी तरफ आप ये भी बोलते हो कि हम मिलिटरीली भी इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर ताइवान की बात आई, ताइवान को डिफेंड करने की बात आई, आप उनके साथ रिलेशन भी क्रिएट कर रहे हो चाइना के अगेंस्ट जाके, तो काफ़ी एम्बिग्यूटी है इस मैटर को लेकर। अब अगर मैं पॉलिसी की बात करूँ ना, जो यूएससी की पॉलिसी है टुवर्ड्स ताइवान, वो है ही स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी की, कि भाई हम कुछ क्लियर नहीं करेंगे कि हम ताइवान को किस स्टैंड पर देखते हैं, ठीक है? वन चाइना पॉलिसी भी माननी है, ताइवान को डिफेंड भी करना है, रिलेशन भी बनाना है, तो ऑफकोर्स एम्बिग्यूटी तो वैसे ही है, और इनकी स्ट्रैटेजिक है ये। मुझे पता है सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी संभव हो सकता है। अच्छा, इनकी ये भी पॉलिसी है कि अगर ताइवान पे कोई अटैक करता है चाइना, तो ये मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब जब ये है, तो जो बाइडन का ये कहना कि हाँ, हम अपनी यूएस फोर्सेज को भी भेज देंगे डिफेंड करने के लिए, तो अगेन उसको बैक करने के लिए कोई सब्सटेंशियल पॉलिसी नहीं है इनके पास। कोई लॉ चाहिए, पॉलिसी बने टुवर्ड्स ताइवान, तभी ना आप यूएस फोर्सेस को भेजोगे डिफेंड करने के लिए, तो आप ऐसा बोल कैसे रहे हो? दूसरी बात, जब इनसे पूछा गया कि क्या बाइडन चेंज करना चाहते हैं अपनी पॉलिसी को टुवर्ड्स ताइवान, तो व्हाइट हाउस के एक स्पोक्स पर्सन ने बोला कि ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, हम कोई पॉलिसी चेंज नहीं कर रहे हैं, जो पहले था वो ऐसे ही है। इवन जो एशिया पॉलिसी ज़ार हैं बाइडन के, कर्ट कैम्पबेल, ज़ार होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है कोई मेंबर सजेशंस देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, ठीक है? उन्होंने भी ये बोला है कि हमारा स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी देने का कोई मूव नहीं है फिलहाल,
क्योंकि अगर हम इस मामले पे क्लैरिटी दे और जो हमारी स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युटी है उस पॉलिसी से हटकर जाएं, तो उसके कुछ सिग्निफिकेंट डाउनसाइड्स हो सकते हैं, इसलिए अभी हम अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर ये सब सुन के, क्योंकि बाइडन कुछ और बोल रहे थे, व्हाइट हाउस कुछ और बोल रहा था, ये सब सुन के एक एशिया एक्सपर्ट हैं बोनी ग्लेजर, उन्होंने बाइडन पर कमेंट करते हुए बोला कि अगर कुछ ऐसी प्रॉमिस बाइडन करते हैं तो ही शुड मेक श्योर ही कुड बैक देम अप, कि उनको बैक करने के लिए तो कुछ रखो। उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला कि अगर बाइडन ताइवान को डिफेंड करने के प्लान बना रहे हैं तो उनको ये भी मेक श्योर कर लेना चाहिए कि यूएस मिलिट्री में उतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं, और सिर्फ रिटोरिकल सपोर्ट से किसी कंट्री को डिफेंड नहीं करा जाता, उसके लिए रियल कैपेबिलिटीज लगती हैं। तो उन्होंने ये कमेंट करा है बेसिकली। सो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो यूएस है उस पर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। ऑफकोर्स अगर किसी कंट्री का पार्लियामेंट कुछ और बोल रहा है, जो और मेंबर है उस पार्टी के वो कुछ और बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट कुछ और बोल रहा है, पीएम कुछ और बोल रहा है, तो इश्यू खड़े हो जाते हैं। तो बस यही न्यूज़ थी आपके लिए। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज़ गिव इट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।